हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास चांद अमावस का। दोस्तों, ये एक लघु उपन्यास है। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं। वह शाम अब भी आँखों में तैर जाती है। रोज़ की तरह वह शाम 5:30 बजे घर लौटे थे और उनके आते ही घर में रौनक सी आ गई थी। वातावरण में एक गहमा गहमी सी व्याप्त हो गई थी, जिसकी वजह से दिन भर की प्रतीक्षा सार्थक जान पड़ती थी। बच्चे रोज की तरह उनसे लिपट गए थे। मैं और सुनीता नाश्ते की तैयारी में व्यस्त थे। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, उन्होंने मेज़ पर आते ही कहा। क्या फूली फूली कचौड़ियाँ हैं, देख कर ही मुँह में पानी भर आया है। अजी, बीवी की इतनी तारीफ न कीजिए, सुनीता नाराज हो जाएगी, मैंने कहा। कचौड़ियाँ उसी ने बनाई है। अरे वाह, आगरा वालों ने थोड़े ही दिनों में अच्छी ट्रेनिंग दे दी है। यह क्या बात हुई, क्या हम लोगों ने इसे कुछ ना सिखाया था? अरे भाई, मैं तो सुनीता को खुश करने के लिए कह रहा था। आज का तो दिन ही खराब जान पड़ता है। एक बात कहूँ तो उसे बुरा लगता है और दूसरी कहूँ तो तुम नाराज हुए जाते हो। आप तो बस चुपचाप नाश्ता कीजिए, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और सचमुच वह एकदम मौन हो गए, सिर्फ आंखों से ही प्रशंसा के भाव जताते रहे। सुनीता कुछ देर तो टुकुर टुकुर उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, आज कोई डाक नहीं आया भैया? अरे भाई, रोज रोज डाक कहाँ से आएगा, पर बोध की कल ही तो चिट्ठी आई है। झेप कर रह गई बेचारी, मैंने ही उसकी ओर से कहा। क्या अकेले प्रबोध ही पत्र लिखते हैं? प्रमोद है, प्रद्योत है, प्रज्ञा है, प्रभा है, फिर जेठानी की लड़कियां हैं, अंजू मंजू टिंकू पिंकू। बाप रे बाप, इतनी जबरदस्त फैन मेल, तब तो अलग से एक पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर ही देता हूँ। पोस्ट ऑफिस से क्या होगा, आप तो ब्रांच ऑफिस खुलवा दीजिए ना। भाभी आप भी, सुनीता ने मुंह फुलाकर कहा, पर साफ जाहिर था उसे यह अच्छा लग रहा था। बाय द वे, सब लोग रोज रोज लिखते क्या हैं? चलो प्रबोध की बात तो मैं समझ सकता हूँ। अरे आपको नहीं पता, इतने मज़ेदार पत्र होते हैं। भाभी आपका नाम तो ममता होना चाहिए था, आप अब भी बदल लीजिए। भाभी आप तो दुष्ट हैं, अभी अभी हमारे घर में दाखिल हुई और लोकप्रियता की दौड़ में सबको पीछे छोड़ गई। ननंद रानी तो एकदम कविता ही करने लगती हैं, वह क्या लिखा था पिछली बार? भाभी प्लीज़। दैट्स व्हाट रमा, तुम्हें दूसरों के पत्र नहीं पढ़ने चाहिए, उन्होंने डांटने का अभिनय किया। अरे वाह, पढ़ता कौन है, यह खुद ही पढ़वाती है, इनकी तारीफ होती है ना उसमें। और असल चिट्ठी को 7 तालों में बंद रखेगी और ये आलतू फालतू की चिट्ठियाँ ज़बरदस्ती दे जाएगी। कह लीजिए आप भी जी भर के, हम तो जा रहे हैं, और वह सचमुच ही उठकर चल दी। अरे अपनी डाक तो लेती जा, उन्होंने जेब से विदेशी मोहर वाला लिफाफा उछालते हुए कहा। वह तेजी से लपटी, लेकिन उससे पहले मैंने ही उसे झपट लिया। वह कुछ देर तक असहाय सी देखती रही, भैया सामने न होते तो बकायदा छीना झपटी करते। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम पीठ पकड़कर बैठ गई, चेहरा एकदम रुआंसा हो आया। मैं तो घबरा गई, क्या हुआ रे, मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। मौका देखकर उसने लिफाफा छीना और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। अरे धीरे से बाबा, मैंने कहा, पर वहाँ सुनने के लिए था ही कौन, तुम्हारा नुस्खा तुम्हारे ऊपर ही अजमा गई है, उन्होंने मेरी शिकस्त का मजा लेते हुए कहा। बहुत शैतान होती जा रही है। श्रीमती जी, एक चिट्ठी आगरा से हमारे नाम भी आई है। आपके नाम, किसकी? भाई और किसकी होगी, समधी जी की है, अगले हफ्ते विदा कराने के लिए किसी को भेज रहे हैं। लिखा है फिर 8वां लग जाएगा और सफ़र करना मुश्किल होगा। तो सफ़र करना किस लिए है? सो तो है ही, लेकिन पहला बच्चा तो वहीं होना चाहिए, उनकी यही इच्छा है और फिर कायदा भी यही है। चूड़ियों की खनक सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे की ओट में सुनीता खड़ी थी और उसकी आँखों में अनुनय का भाव था। क्या उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है, हमारा कुछ अधिकार नहीं? रिवाज भी तो है, रिवाज को मारिए गोली, वहाँ वालों से अभी परिचय ही कितना है।
दो तीन बार मिलाकर 30-40 दिन ही तो कुल रही है वहाँ, इतने दिनों तक अकेली कैसे रह पाएगी। हाँ अगर प्रबोध साथ होते तब भी कोई बात नहीं थी, अच्छी शादी हुई है, ढंग से महीना भर भी साथ रहना नहीं हो पाया। तो इसमें किसी का क्या दोष, तुम ही को शौक था फौरन रिटर्न दामाद का। अच्छी बात है, मुझे शौक है तो मैं भुगत लूँगी, आप वहाँ लिख दीजिए कि डिलीवरी यहीं होगी बस। अच्छा बाबा लिखे देते हैं, हमारा क्या जाता है, हम तो लेखक मात्र हैं, कलम पकड़ने वाली तो तुम हो। वहाँ से उसकी सास ने डिटेक्ट कराया होगा, यहाँ तुम करवा लो। सच तो यह है कि हम निरीह प्राणियों को मुक्त देकर दोनों ही लिखा पढ़ी कर लिया करो ना, वह भी हो जाएगा, साल दो साल गुजर जाने दो। एक एक शब्द जैसे मन पर अंकित हो गया है, क्योंकि उसके बाद वैसी शाम वैसी रौनक घर में हुई ही नहीं। रात ही तार मिला था पर बोध नहीं रहे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। सुनीता तो सहसा गश खाकर गिर पड़ी थी, जब होश में आई तब एकदम बदल चुकी थी। और हम भी क्या वही रह गए हैं, सारा घर जैसे एक उदासी की चादर में लिपट गया है। यशवंत का टेलीग्राम आया है, वे लोग शाम को पहुंच रहे हैं, दफ्तर से लौटकर उन्होंने बतलाया। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली, इन 20-25 दिनों में मैं कितना थक गई हूँ। एक तो ये मातमपुरसी वाले चैन ही नहीं लेने देते, पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्तेदार दौड़े चले आते हैं। हरेक के सामने वही गाथा दोहराते दोहराते थक गई हूँ मैं, छाती पर दुख का एक पहाड़ सा आकर बैठ गया है, पर आंखों से आंसू सूख ही गए हैं। और लोग समझते हैं कि मैं कितनी भावशून्य हूँ, जैसे दहाड़े मारकर रोना ही शोक का धोतक है। बच्चे दिन भर सूखा सा मुंह लिए अनाथ से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और उनके पिता लगता है एकदम 10 साल बुढ़ा गए हैं। संवेदना प्रकट करने वाले से तो मैं जैसे तैसे निपट भी लूँ, पर सुनीता से पार पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। 7-8 महीने का शिशु पेट में पल रहा है और वह है कि अंजल तक बैठी है। बड़ी मुश्किल से जरा सा दूध, कभी जरा सा मौसमी का रस उसे दे पाती हूँ। दिन भर उसे अपनी आंखों के सामने रखती हूँ, कोई मिलने वाला आता है तभी तनिक देर के लिए छोड़ती हूँ, और फिर उसमें भी मन में खटका बना रहता है कि कहीं ऐसा वैसा कुछ कर ना बैठे। इसलिए यशवंत के टेलीग्राम की बात सुनकर ही लगा जैसे मेरी सारी परेशानी दूर हो गई हो। बुआ जी को अब मैं 10-15 दिन यहीं रख लूँगी, घर नहीं जाने दूँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने कहा और अखबार लेकर बाहर बरामदे में जा बैठी। कई बार कहती हूँ घूम आया करो, क्लब ही चले जाओ, पर उनकी इच्छा ही नहीं होती। फिर लोग क्या कहेंगे, यह भय भी 24 घंटे सर पर सवार रहता है। बुआ जी आएंगी तो डांट डपट कर बाहर भेज सकेंगी, सुनीता को मना मनो कर कुछ खिला पिला सकेंगी। इतनी सी थी तभी से कलेजे से लगा कर पाला है, तभी तो दोनों भाई बहन इन्हें इतना मानते हैं। इस वज्रपात की खबर मिलते ही पहला तार उन्हीं के नाम दिया था। बेचारी अपनी बद्रीनाथ यात्रा बीच में ही छोड़कर आ रही हैं। वह आई तो आर्त विलाप करती हुई घर में दाखिल हुई। हाय मेरी बच्ची, क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था, क्या भगवान के घर मेरे लिए जगह नहीं थी। मैं भी उनसे लिपट गई और इतने दिनों का दबा घुटा अवसाद आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। यशवंत हतप्रभ सा कुछ क्षण तक हम लोगों को घूरता रहा, फिर बुआ जी का आवेग कुछ शांत होते ही कठोर स्वर में बोला, माँ तुम यहाँ इस तरह धुआंधार रोने के लिए आई हो, तुमने वादा किया था मुझसे। बेटा रुलाई क्या किसी के कहने से आती है जो तेरे कहने से रुक जाएगी, तो तुम अभी उसके पास मत जाओ, गाड़ी से थकी हारी आई हो, कुछ देर आराम कर लो। फिर मुझसे बोला, भाभी कहाँ है वह, मुझे ले चलिए उसके पास। ऊपर बरसाती में आजकल वह दिन भर वहीं बैठी रहती है, मानती ही नहीं। हम लोग ऊपर गए, बुआ जी भी धीरे धीरे चली आई, भला उनका मन मानता उसे देखे बिना। सुनीता आंखें बंद किए आराम कुर्सी पर चुपचाप लेटी थी। सुनी देख कौन आया है,
तो कल बुआ जी को याद कर रही थी ना? मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने किसी को याद नहीं किया, मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम लोग क्या घड़ी भर मुझे चैन से बैठने भी ना दोगे? उसने मेरा हाथ झटकते हुए कहा और फिर आंखें बंद कर ली। उसकी उदास हताश आकृति देखकर बुआ जी फिर से सकने लगी तो यशवंत की मुद्रा कठोर हो आई। अपने स्वर को यथासाध्य सहज बनाते हुए उसने कहा, मैंने कहा था अम्मा तुम अभी आराम कर लो, थकी आ रिहाई हो। बेचारी बुआ जी अपना मुंह छिपाकर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। यशवंत की आवाज़ सुनकर सुनीता ने फिर आंखें खोली। अच्छा तो डॉक्टर साहब आए हैं। उसके इस नाटकीय वाक्य में तिरस्कार झलक रहा था। डॉक्टर आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपकी प्लेजर ट्रिप में खलल पड़ गया। यह प्लेजर ट्रिप नहीं था नीता, तुम्हें मालूम है मैं माँ के साथ बद्रीनाथ जा रहा था। हम लोग रुद्रप्रयाग में थे जब वह चुप हो गया। जब भैया का पत्र मिला? सुनीता ने उसका वाक्य पूरा किया। आप पुण्य लाभ से वंचित रह गए, इसका मुझे बहुत दुख है। पुण्य लाभ की सबकी परिभाषा एक सी नहीं होती, यशवंत ने गंभीरता से कहा। अच्छा तो आप संवेदना प्रकट करने का पुण्य लूटने आए हैं? फिर क्यों, हो जाइए ना शुरू। सुनी ये क्या हो रहा है? मैंने धीरे से उसे डांटना चाहा तो यशवंत ने संकेत से मुझे चुप करा दिया और बोला, नीता मैं औपचारिकताएं निभाने नहीं आया, मैं सिर्फ यह कहने आया हूँ कि तुम अपने को संभाल लो। अब तुम अकेली नहीं हो, एक और जिंदगी तुम्हारे साथ पल रही है, तुम्हें उसकी भी कम वक्त एक बोझ है जिंदगी पर, न जीने देता है न मरने देता है। सुनीता ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा क्यों कहती हो नीता, यह तो तुम्हें जीने के लिए एक आपको जाने के लिए किन शब्दों में कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब, उसने बिफर कर कहा तो यशवंत सहम कर चुप हो गया। हम तीनों चुपचाप सीढ़ियां उतरकर नीचे चले आए। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, आगे का भाग हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।